इस पॉपुलर एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एक्ट्रेस पर लगा गोवा के एक लोकेशन पर अश्लील वीडियो शूट करने का इल्जाम। एक्ट्रेस के साथ साथ एक अननोन शख्स के खिलाफ भी रजिस्टर हुई एफआईआर। अक्सर अपने हॉट वीडियोस के कारण चर्चाओं में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे एक बार फिर मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। हाल ही में पूनम पांडे गोवा में शूटिंग करने के बाद मुंबई लौटी है। इसके तुरंत ही बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला विंग ने पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन पर गोवा के चपोली डैम पर अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप लगाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि गोवा के कनाकोना पुलिस स्टेशन में भी एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज का आरोप लगाया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स ने एक्ट्रेस पूनम पांडे का अश्लील वीडियो शूट किया है। आपको बता दें, इससे पहले गोवा में पूनम पांडे ने अपने पति सैम बॉम्बे पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सैम को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में पूनम और सैम बॉम्बे के बीच समझौता हो गया और फिलहाल दोनों साथ में हैं। वेल व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस वीडियो पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।